घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। यहां पर कुल 4,30,394 मतदाता 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 239 मतदान केंद्रों के 455 बूथों पर मतदान हो रहा है। सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह पर केस दर्ज किया गया है। उन पर सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस कांस्टेबल को धमकी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं भाजपा से दारा सिंह चौहान, सपा के सुधाकर सिंह, आम जनता दल से राजकुमार चौहान, जनता क्रांति पार्टी से मुन्नीलाल चौहान, जनराज्य पार्टी से सुनील चौहान और जन अधिकार पार्टी से अफरोज आलम, वहीं पीस पार्टी सनाउल्लाह आजमी, बहुजन मुक्ति पार्टी से रविंद्र प्रताप सिंह है। इसके अलावा निर्दलीय विनय कुमार व रमेश पांडे हैं। इन 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला शाम 6 बजे तक ईवीएम में बंद हो जाएगा। प्रथम चक्र के बाद दूसरे चक्र से मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। सर, घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर किस तरह मतदान किए जा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? अभी बताया मैंने आपको कि सभी मतदान जो है शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है और सभी पोलिंग बूथ पर पोलिंग प्रक्रिया ठीक तरह से चल रही है। सारे अधिकारी हमारे जो है फील्ड में हैं और कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट इत्यादि से लगातार फीडबैक ली जा रही है और कहीं किसी प्रकार की कोई अनियमितता या कोई शिकायत या कोई लॉ ऑर्डर इशू ऐसा संज्ञान में नहीं आया। कितने जोन में बांटा गया? देखिए, 2 जोन है, 27 सेक्टर है और बाकी जो हमारे पोलिंग पर्सनल है इस प्रकार से।